बासुगुरु चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैं अपने सीरियल्स बना रहा हूँ और काफ़ी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आज मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बांसुरी तो मान ली आपने, खरीदी कहीं से खरीदी, प्रोफेशनल बांसुरी खरीद ली, लेकिन उसका जो है रख रखाव, मेंटेनेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मस्टर्ड ऑयल ले लें, मतलब आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में मस्टर्ड ऑयल चाहिए, और मस्टर्ड ऑयल को जो है आप जो है जिस तरह से आप अपने शरीर की मालिश करते हैं, हाथ पैर की मालिश करते हैं, उस तरह से इसको हाथ में लेके आप इस टाइप से लगाइए, इसके होल्स में यूं इस टाइप से करिए। अब इससे क्या होगा कि इसकी जो वेन्स है वो मतलब जो है काफ़ी अच्छी हो जाएंगी, और इसमें चिकनाहट, बैम्बू में एक चिकनाहट आ जाएगी, और इससे जो है और कुछ दो चार पांच ड्रॉप इसके अंदर इस साइड से, जहां पर ये आपका कॉर्क नहीं लगा है, एक साइड तो कॉर्क लगा हुआ है, दूसरे साइड से आप दो चार पांच दस बूंदे इसके अंदर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो उसकी वेन्स है, इसमें जो रेशे होते हैं, अंदर जो रेशे होते हैं, वो मतलब जो है कैपिलरी ट्यूब की तरह ये मतलब पूरे बांसुरी में फैल जाएगी, जिससे क्या होगा कि इसका जो सुर है वो काफ़ी मधुर हो जाएगा। तो देखिए, केवल सिंपल बांसुरी लेने से इसमें मधुरता नहीं आती है, आपको बांसुरी में जो है उसकी रख रखाव बहुत ज़रूरी है और उसका मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, महंगी चीज़ खरीद लेने से कोई वो नहीं होता है, आपको उसका मेंटेनेंस भी करना है, ठीक है। ये जो टिप्स है मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, और इसको बांसुरी को इस टाइप से इसको लगा के इसको ड्राई कर लीजिएगा। जितने लोग बिगनर्स हैं जिन्होंने मेरे द्वारा बांसुरी ली है या कहीं से भी बांसुरी ली है, उनको ये प्रोसेस ज़रूर करना चाहिए। इससे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बांसुरी में इंटरनल क्रैक्स होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, तो अगर बांसुरी में इंटरनल क्रैक्स रिपेयर हो जाएंगे तो आपकी जो है ग्लो जो है वो बाहर नहीं निकलने पाएगी, तो उसका रेजोनेंस जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। जब गूंज उसकी बढ़ेगी तो आपकी जो है बांसुरी की मधुरता भी अधिक होगी। तो ये प्रोसेस आप एक महीने में एक बार तो अवश्य करें। और देखिए, इसके अंदर के साइड में बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, जैसे मान लीजिए बाहर मॉइस्चर है, आपने तेल अधिक डाल दिया तभी वो एक मतलब जो है बांसुरी को आपको मतलब सही नहीं रहेगा बांसुरी के लिए, और उसमें फंगस लग सकता है, इसलिए इसमें हल्का से एक दो बूंद ही आप डालिए, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इंटरनल साइड में, मतलब यहाँ इस साइड से थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए और उसमें दो चार पांच बूंद डाल दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं डालना है आपको। तो इस टाइप से जो आप करेंगे तो आपकी बांसुरी काफ़ी मधुर हो जाएगी। और देखिए, अगर इंटरनल आपने डाल दिया तो इस तरह से स्टिक, ये आपको मैं दिख रहा हूँ, ये मैंने दो स्टिक्स ली हैं, और आगे देखिए मैंने कॉटन को जो है मैंने इसमें बांधा हुआ है, और ऊपर का पोचन देखिए ये ब्रश की तरह ये मैंने बनाया हुआ है, जिससे जो है अंदर की जो सफाई है वो भी अच्छे से हो सके। तो इसको आप जो है यहाँ से डाल के इसकी सफाई कर सकते हैं, तो इसके मतलब इस टाइप से आप अंदर डाल कर सफाई कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये आपकी जो बांसुरी है आप इसमें मस्टर्ड ऑयल लगा लें आगे, और इसको इस टाइप से करके इस तरह से इसकी सफाई जो है आप कर सकते हैं, और इसको कॉर्क की तरफ जो है बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो कॉर्क जो है आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह से आप इसकी सफाई कर लें, और इसमें इससे क्या होगा कि अंदर का कोई भी माली पार्टिकल अगर निकल गया है, कुछ अगर उसमें डस्ट वगैरह है, तो वो आपकी सब बाहर निकल जाएगी। तो ये देखिए, इस टाइप का बना लें, और इस टाइप से जो है आप इसको जो है पूरा क्लीन कर सकते हैं अंदर की साइड से। आप देखिए, यहाँ पर ब्लोइंग होल पे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, इससे ब्रश की तरह रहेगा तो ये पूरा अंदर की जो डस्ट है वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। इस टाइप का जो है आप करें तो इससे इंटरनल भी क्लियर हो जाएगा, और एक्सटर्नल आपने आउटर साइड में ऐसे आपने लगा दिया ऑयल, तो ये आप एक एक महीने पर इसको प्रोसेस कर दें, तो ये इससे आवाज़ इसकी जो है काफ़ी मधुर होगी। दोस्तों, ये छोटी छोटी टिप्स जो है बहुत ही कॉन्ट्रेबल होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। अगर देखिए, गुरु का कार्य है कि आपको जो है गाइड करना, आपको सही मार्गदर्शन देना, ठीक है।
तो आप इसका ये चीज है मतलब अपने बांसुरी पे इम्प्लीमेंट करिएगा, इससे आपकी बांसुरी की आवाज़ अच्छी मधुर होगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो और लोगों को शेयर करिएगा कि लोगों को मालूम हो कि गोरखपुर के बांसुरी गुरु निःशुल्क जो है लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और सबकी मदद कर रहे हैं। तो चलिए चलते चलते मैं आपको एक धुन सुनाता हूँ।